गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है तारीख 4 नवंबर और अभी ये मैं शाम का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी शाम के लगभग 5 बज गए थे, मैं चाय बना रही थी। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और ये खस्ते पपड़ी रखी है चाय के साथ खाने के लिए। तो बस ये चाय हमारी बन गई है और मैं पीती नहीं हूँ चाय, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चाय पीना। कभी कभार जब मूड हो गया तो पी लिया। वैसे तो ये चाय मैं देकर आती हूँ बाहर, सब लोग बैठे हुए हैं। सो गाइज, यहाँ पर ये एक्चुअली चले गए थे चाय पीकर और यहाँ पर मम्मी और दीदी बैठी हुई हैं चाय पीने के लिए, और साथ में ये वर्षा दीदी है। तो इन लोग की कुछ बातें चल रही थी, मैंने ये वीडियो कैप्चर कर लिया। तो बस, और दीदी को हंसी भी आ रही थी, कुछ बातें ऐसे पता नहीं क्या बातें हो रही थी। एक्चुअली इनको कहीं बाहर जा रही है, मतलब दीदी मार्केट जा रही थी, इनको कुछ काम था तो इसलिए वही कुछ देख रही थी पर्स वगैरह में। और बस वर्षा दीदी बोल रही थी कुछ, तो मैंने बोला चलो आप भी झाड़ू लगाओ, आपकी भी वीडियो ले लेती हूँ। तो हम लोग की कुछ बातें हो रही थी उस टाइम पे, मुझे याद नहीं है क्या बोल रही थी वर्षा दीदी। तो बस ये मॉर्निंग का वीडियो है। ये देखो, ये पीछे हमारे यहाँ का जो आंगन है वहाँ पर कितने बढ़िया फूल निकले हैं। देखो गेंदे के फूल कितने मस्त लग रहे हैं। अभी ठंड में गेंदा होता है ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो ले लिया था। देखो आप लोग देख सकते हो कितने सारे फूल हैं गेंदे के, और बढ़िया हरियाली लग रही है। सुबह सुबह का व्यू है, तो आप लोग वीडियो ज़रा गौर से सुनिएगा, चिड़िया कितने अच्छे से बोल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइज, इसके बाद मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। मैं खाना बना रही हूँ सुबह, जो हमारे यहाँ जल्दी खाना हो जाता है आप सब तो जानते ही हैं। तो बस मैं खाना ही बना रही थी, मम्मी सब्जी वगैरह काट कर दे दी थी, और ये मैं बघार दिया है मैंने बरबट्टी। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो मैं बाहर जा रही थी, मीठी नीम लगा हुआ है हमारे घर में करी पत्ता, तो बस उसे ही लेने जा रही थी। वो कढ़ी में डाल दो ना तो बढ़िया सी लगने लगती है कढ़ी, तो बस इसको तोड़ लेती हूँ फटाक से। सो गाइज, मैं जा रही हूँ अंदर, और यहाँ पर हमारे पति देव पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, और बस इनकी अभी मॉर्निंग हुई है, अभी सुबह हुई है। ये देखो आप लोग देख सकते हो, कप भी रखा हुआ है चाय का। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। सो गाइज, मैंने दही में बेसन और जो भी मसाला होता है वो सब मैंने घोल बनाकर रख लिया है। और ये करी पत्ते हो गए और 2 लाल मिर्च हो गई सूखी वाली, और ये गंजी में बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध घी डाला है, शुद्ध घी के साथ, शुद्ध घी गर्म हो जाएगा। इसके बाद मैं हींग डालूँगी, जीरा डालूँगी, और करी पत्ता और हरी मिर्च, और बस इसका छौंक लगा दूँगी, मतलब बघार लगा दूँगी। एक्चुअली थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि वो बघार थोड़ा सा खरा हो रहा था और कढ़ी खट्टी, मतलब दही खट्टी था, तो पानी तो डालते ही है। तो मैंने पहले ही पानी का बघार लगा दिया, उसके बाद जो मैंने घोला है वो डाल। और ये मैं बना रही थी पकौड़ी, उसके लिए उसका वो बना रही थी घोल। तो ये देखो, ये मैं इस तरह से इसे बना लेती हूँ, छोटी छोटी सी पकौड़ी बना लेंगी। कढ़ी की कढ़ी पकौड़ी वाली बहुत अच्छी लगती है, मतलब टेस्टी ज़्यादा लगती है। सबसे ज़्यादा मुझे वही वाली कढ़ी पसंद है, पकौड़ी वाली। तो यहाँ पर भी सब खाते हैं। थोड़ा सा मैंने ये सोडा डाल दिया ताकि वो अच्छी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी बन जाए, क्योंकि वो कढ़ी में डालने के बाद ना अंदर से कड़ी कड़ी रहती है अगर सोडा नहीं डालो तो, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया है। और ये लिया है मैंने लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अच्छा, जब भी आप लोग कभी पकौड़ी बनाओ ना तो तेल थोड़ा सा होना चाहिए, उससे क्या होता है पकौड़ी अच्छे से बनती है। तो ये मैंने तेल रख दिया है, ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं छोटी छोटी से पकौड़ी डालूंगी। और हमारे यहाँ जो है शादी में जब नई बहू आती है ना, मतलब हमारे चंदिया साइड चलता है, जैसे नई बहू आती है तो जो मुँह दिखाई नहीं बोलेंगे, मतलब खिचड़ी होती है हमारे यहाँ, तो खिचड़ी में ना बहू से, मतलब जो है नई नई बहू जो आती है उससे ऐसे पकौड़ी बनवाई जाती है। तो मुझे, मतलब मेरे से तो आती थी वैसे भी, क्योंकि मैं चलिए मैं बनाती रहती थी पकौड़ी, तो इसलिए आ जाती है। अभी थोड़ी कढ़ैया ज़्यादा गर्म नहीं हुई है, इस वजह से वो थोड़ा सा वैसी लग रही है। जब अच्छी कढ़ैया थोड़ा सा अच्छी गर्म हो जाएगी ना तो बढ़िया पकौड़ी आप लोग देखोगे थोड़ी देर बाद की, अच्छी फूल जाएंगी। तो नई बहू आती है तो मतलब सर्व करवाया जाता है पकौड़ी चनिया साइड, और पकौड़ी बनवाई जाती है।
सो गाइज इसके बाद मैं दूसरे खान की पकौड़ी डाल रही हूँ। तो ये देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पकौड़ी बनाने, बढ़िया मस्त मज़ा आ जाती है पकौड़ी बनाने में, और अगर अच्छी आ जाती तो और अच्छी बात है। तो मैं एक चीज़ आप लोग से बताऊँगी, जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना तो फूल कर डबल हो जाती है, वो पकौड़ी अच्छी कहलाती है। तो ये देखो मेरी पकौड़ी जो मैं बना रही हूँ ना, फूल कर थोड़ा डबल हो जाती है ना, तो वो पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस तरीके से मैंने पकौड़ी बना ली है, और ये कढ़ी भी हमारी, मैंने कढ़ी मतलब पहले उबाल कर रख ली थी, पक गई थी कढ़ी, और इसके बाद ये पकौड़ी जो मैंने बनाई है वो डाल दी है इसमें। और इसके आगे का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, खाना वाना सबका हो गया था। तो फिर इसके बाद आज हम लोग मंदिर की सफाई कर रहे थे, मैं और मम्मी, मतलब मम्मी बताती जा रही थी मुझे, तो मैं मम्मी के साथ करवाती जा रही थी। तो बस ये हम लोग की सफाई चल रही, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है तो बस ये साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। बाकी सब जगह की तो हो गई थी, बस यहाँ की रह गई थी। तो आज हम लोग ने सोचा चलो कर लेते हैं, खाना पीना हो गया था, सबका खाना हो गया था, तो फ्री हो गए थे, तो इसलिए बस यही हम लोग कर रहे थे आज। तो बस इसके बाद क्या है, जो सामान हम लोग ने अलग छांट कर रख लिया, क्या रखना है क्या नहीं रखना, मतलब बहुत दिन बाद साफ़ सफाई करो ना तो कुछ ऐसा सामान निकलता ही है। तो बस मम्मी बोली लाओ हम चढ़ रहे हैं ऊपर से स्टूल में, मैंने बोला मम्मी मैं चढ़ जा रही हूँ आप रहने दो, तो बोलती नहीं रहने दो हम चढ़ रहे हैं, तो हमको सामान पकड़ाते जाओ। तो बस मैं मम्मी को सामान देती जा रही थी, और मम्मी बोली कि हम इकट्ठा मतलब अच्छे से व्यवस्थित जमा देंगे, इसलिए मम्मी बोली हम चढ़ जा रहे हैं। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता हो आप लोग को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग तक पहले ही पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।